नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हम लोग लाइव जुड़ रहे हैं जयगांव थाना प्रांगण से, जहां पे बंगो समाज द्वारा युवा तापोस बर्मन उर्फ ऋषि राज सनातनी को स्वागत किया जा रहा है। इसका दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग साझा कर रहे हैं। आप सभी के समक्ष सीधा दृश्य साझा कर रहे हैं युवा तापोस बर्मन उर्फ ऋषि राज सनातनी को, उनको स्वागत किया जा रहा है बंगो समाज द्वारा। और आपको बता दे, ये वही युवा है जो 17 दिनों तक पैदल यात्रा पे था भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र संकल्प तीर्थ यात्रा पे निकला हुआ था, पैदल निकला था। 17 दिनों के बाद आज घर वापसी किया है और बंगो समाज द्वारा आज उन्हें वेलकम किया जा रहा है और सम्मानित भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीधा दृश्य आप सभी के समक्ष। हम लोग सुबह भी दिखाए थे जब वो जयगांव पहुंचे थे और इस समय जयगांव थाना प्रांगण पे स्थित काली मंदिर प्रांगण से आप सभी के समक्ष दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ पे इस समय बंगो समाज द्वारा युवा तापोस बर्मन को स्वागत किया जा रहा है। हम लोग सीधे चलते हैं। सबसे पहले तो दादा, आज आप लोग युवा तापोस बर्मन को स्वागत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनका जो ये यात्रा रहा है? नमस्ते आप सभी को, विशेष करके विजय भाई या विकास भाई, आप लोग को अपना चैनल का बहुत बहुत शुभकामना जो हम लोग को कवर किए हैं। और हमारा तापस युवा योद्धा है, जिस संकल्प लेके वो यहाँ से चल पड़ा था, उस संकल्प को और आगे बढ़ाए और बृहत्तर रूप दे। और ये देश का हर युवा का मन में एक उत्साह है और मतलब ये एक इतना प्रेरणा मूलक एक यात्रा है। इस प्रेरणा को बंगो समाज हर तरीके का साधुवाद देता है और हमारे तरफ से जो भी सहायता होगा हम लोग करेंगे बोल के उनको वचन दिया। और नाम और परिचय अंकल आपका? मैं तापस मुखर्जी, बंगो समाज का संपादक। और तापस भाई, आज आप पहुंचे हो, समाज के तरफ से आपको सम्मानित किया जा रहा है, आज आपको वेलकम किया जा रहा है, फूल और आशीर्वाद सभी आपको हौसला अफजाई कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या कहोगे? जयगांव में सर समाज कारपा समाज के तरफ से मंगल समाज एक समाज है। मेरा यात्रा शुरू होने के बाद से मंगल समाज के सदस्य हैं वो जब सुने तो हर प्रकार के सहायता वो हमें, उसके लिए मंगल समाज को साधु समाज से मंगल समाज जो है जयगांव का वो सामाजिक संगठन और सनातन एक समाज के अंदर रहने के कारण सनातन के लिए वो हर प्रयास हर तरह से बड़ी पूर्ण समाज से बढ़ता है। और आगे भी जैसे जानकारी मिल रहा है, काफी सारे लोग, काफी सारे संस्थाएं आपको सम्मानित करने के लिए आगे आने के लिए बातें कह रहे हैं, क्या क्या कहोगे? सभी को अनेक अनेक धन्यवाद और सभी को सम्मानित करने के साथ साथ अपना अपना एक संकल्प लेके और तारकेश्वर हो, बाबा धाम हो, बद्रीनाथ धाम हो या 12 बागेश्वर धाम हो, तो अपना अपना यात्रा है, अपना अपना जो आस्था है वो लेके जरूर 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 भगवान के पास जाए और इस सावन महीना में अपना अपना जल चला के अपना अपना संकल्प लेके जाए और ये संकल्प हर सनातनी को करना चाहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और दर्शकों आपने देखा युवा तापस बर्मन को इस समय
बंगो समाज द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। और ये दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग सीधे समस्त छोट्ट तापस एम बड़ क्या तो आशा करब ये छोट्ट तापस दिखे दिखे आलोड़न फेले दी दिखे दिखे मानुषर मने युव शक्तर मने एक भावना एक चिंताधारा एक उद्देश्य एवं एक संकल्प तैयारी अपनारा सबाई देखने छोट्ट तापस के छोट्ट तापस एत बड़ क्ज क्यों कर 543 কিলোমিটার পদযাত্রা করা একটা মামুলি বিষয় এবং এর মধ্যে ভয়ঙ্কর একটা সংকল্প একটা জীব না থাকলে পরে কেউ কোনো কাজ এইভাবে করতে পারে অসম্ভবকে সম্ভব করায় যে মানুষের সংকল্প হয়ে দাঁড়ায় সে যে কোনো কাজ জয়। और दर्शकों इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। इस समय आप सभी से अलविदा लेना चाहेंगे, फिर किसी और क्षेत्र से फिर जुड़ेंगे। जय हिंद।